सीसीटीवी में दिख रही ये तस्वीर भले ही धुंधली हो, लेकिन शासन और प्रशासन की आंखों पर बंधी पट्टी को खोल देगी, क्योंकि आज एक बेटी की इज्जत को विशेष समुदाय के युवकों ने बीच सड़क पर पहले तार तार किया, फिर मासूम को मनचले युवक के दोस्तों ने बाइक से कुचल दिया, जिसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो गई। आगे का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस दर्दनाक घटना की कहानी जरूर बताएंगे। दरअसल ये मामला है जनपद अंबेडकर नगर का, जहां एक बेटी पढ़ाई करके स्कूल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में बीच सड़क पर कुछ बाइक सवार मनचले विशेष समुदाय के युवकों ने छात्रा का दुपट्टा खींच लिया, जिसके बाद साइकिल से आ रही छात्रा का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गई। वहीं पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे मनचले के दोस्तों ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसका वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि हंसवार थाना इलाके के बरही ऐदिलपुर की रहने वाली नैन्सी छुट्टी होने के बाद स्कूल से अपने घर लौट रही थी, इसी दौरान उसके साथ ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। आरोप है कि छात्रा दूसरे समुदाय के युवकों की छेड़खानी का शिकार हुई है। आरोपी आते जाते अक्सर छात्रा के साथ छेड़खानी करते थे। छात्रा ने इसे लेकर परिजन से शिकायत भी की थी। कल ये हुआ, मेरी बेटी पढ़ के आ रही थी, जैसे मोड़ से मुड़ी आगे बढ़ी, हीरापुर बाजार फेकू दुकान के सामने, वही दो मोटरसाइकिल पर दुपट्टा खींचे और एक चटकना लगाए भी, और वो तुरंत गिर पड़ी, साइकिल टूटी। उसके बाद पीछे से फैसल नाम का लड़का उसको रोकते हुए सिर पर की, सिर उसका फूटा, जबड़ा टूट गया। क्या इसके पहले भी इस तरीके का मामला उसने बताया था घर वालों को? हाँ, हमसे बताया था, तो मैं दो तीन दिन से लगा था कि लड़का परेशान करता था पीछे से। क्या नाम है लड़के का? शहनाज अरबाज। पुलिस में एफआईआर किया आपने? एफआईआर कर दिए। अभी गिरफ्तारी हुई? बैठाए थे पकड़ करके सर। आपका नाम क्या है? सभाजीत। थाना हसवर पर कल शाम को तहरीर प्राप्त हुई कि दो लड़कियां जो स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उसमें एक लड़की के साथ दो लड़कों ने छेड़खानी की, जिससे लड़की साइकिल से गिर गई। पीछे से आने वाली बाइक ने उस लड़की के ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। घर वालों के द्वारा तहरीर दी गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जो इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष कार्रवाई शास्त्र संकलन के आधार पर की जाएगी। खैर, घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनसे इस पूरे मामले में सख्ती से पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, वहाँ इस बेटी से आए दिन कैसी छेड़खानी की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबेडकर नगर से कार्तिकेय द्विवेदी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।